हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जी के स्टार्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 45+ क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है, सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण और सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण को कहा जाता है डैश, सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, वैश्वीकरण को कहा जाता है भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पाद का के बीच प्रतिस्पर्धा है डैश, सही आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ जाएगी। देखिए, वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारण हैं, सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं प्रतिस्पर्धा और उदारवादी नीतियाँ और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता या उद्देश्य है, देखिए वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता या उद्देश्य है वस्तुओं का मुक्त प्रवाह और पूंजी का मुक्त प्रवाह और प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया है, सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का नकारात्मक प्रभाव देखा गया कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के एकीकरण को कहते हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी, वैश्वीकरण। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के एकीकरण को वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ, सही आंसर है ऑप्शन बी, 18वीं शताब्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, सही आंसर है ऑप्शन बी, औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है डैश, सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है नए कारखानों की स्थापना करना और स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना और स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या वैश्वीकरण का दोष नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, वैश्वीकरण का दोष नहीं है उद्यमियों को प्रोत्साहन, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन का क्या तात्पर्य है, सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, निजीकरण का तात्पर्य है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र के हाथ हस्तांतरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई, सही आंसर है ऑप्शन ए, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार, पूंजी, तकनीक एवं सूचना के प्रवाह से प्रोत्साहन मिलता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, वैश्वीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ, सही आंसर है ऑप्शन ए, जुलाई 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति के घटक हैं डैश, सही आंसर है ऑप्शन डी।
देखिए, नई आर्थिक नीति के घटक हैं उदारीकरण और निजीकरण एवं वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? देखिए, नई आर्थिक नीति में सम्मिलित नहीं किया गया है नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए 164। देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसके वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 164। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त पूंजी वाले कंपनी में पूंजी का कितना प्रतिशत भाग सरकार के पास होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2000 की वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल विदेशी व्यापार में भारत का अंश कितना प्रतिशत था? सही आंसर है ऑप्शन बी 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में आधार संरचना के कारण वैश्वीकरण का प्रभाव कम है? सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारीकरण का तात्पर्य है, देखिए उदारीकरण का तात्पर्य है निजी क्षेत्र के उद्योगों का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दूसरे देशों में निवेश करने का सबसे सामान्य तरीका है नए कारखानों की स्थापना करना और स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना और स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व है? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व है अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक गांव किस युग की अवधारणा है? सही आंसर है ऑप्शन ए आधुनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन बी जॉन विलियम्सन ने। यह कब किया था? तो यह किया था 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने के में किसकी सहायता मिली? सही आंसर है ऑप्शन सी भारत से सोने के निर्यात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? देखिए, गिरमिटिया कहा जाता है अनुबंधित मजदूर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुबंधित मजदूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? सही आंसर है ऑप्शन डी यूरोपीय संघ का। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सही आंसर है ऑप्शन बी रेशम मार्ग से। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? देखिए, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार था वस्त्र उद्योग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? सही आंसर है ऑप्शन ए अलेक्जेंड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र से। आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी फासीवाद नाजीवाद शासन प्रणाली का। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? सही आंसर है ऑप्शन बी चीन से। देखिए, रेशम मार्ग यह चीन से आरंभ होता था।
यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? सही आंसर है ऑप्शन बी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 1921 में। धन निष्कासन के सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? देखिए, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ा था बेरोजगारी का। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी लाल सागर के मुहाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा था? सही आंसर है ऑप्शन ए किसानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरमिटिया श्रमिक किन्हें कहा जाता था? देखिए, गिरमिटिया श्रमिक कहा जाता था जिन्हें अनुबंध यानी एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।